गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस, योर साइंस टीचर. और दिस वीडियो इज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 4. स्टैंडर्ड 4 के बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है. उसके साथ साथ आपको क्रैश कोर्स वीडियो भी मिल चुका होगा. तो आज मैं चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रही हूँ. चैप्टर 4 का ये पार्ट 1 है. तो आप सभी बच्चे अपना नोटबुक ओपन कर लें और उसके साथ साथ राइट डाउन करना शुरू कर दें. तो सबसे पहले चैप्टर का नेम क्या है? मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. मैटर पदार्थ, तत्व, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है. तो पहले हम समझते हैं कि मैटर किसे कहते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बनाया है, मैटर लिखा है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो कि जगह लेती है और उसके साथ साथ उसमें वजन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर. ओके, तो हम अपने आसपास कितनी ऐसी वस्तुएं देखते हैं जो कि जगह लेते हैं और जिसमें वजन होता है. कुछ भी, आपके घर का कोई भी सामान हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो वाटर हो, मिल्क हो, जूस हो, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जगह लेते हैं और ये इनमें वजन होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं. अब हम जानते हैं कि मैटर के टाइप्स क्या होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस. तो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि सॉलिड्स क्या होता है, लिक्विड्स क्या होता है, गैसेस क्या होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनके डिफरेंस भी जानेंगे, क्या क्या तीनों में अंतर है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है. क्लास 4 के बच्चे, क्लास 3 में भी मैंने आपको पढ़ाया था और उसके साथ साथ अब क्लास 4 में भी इसके बारे में और हमें जानना पड़ेगा. अब जानते हैं तीनों का डिफरेंस. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने नोट्स बना के लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. तीनों का डिफरेंस आपको मैं बुक भी शो करूँगी इसके साथ साथ कि बुक के किस पेज नंबर में आपको ये मिलेगा. तो ये मैंने शॉर्ट में डिफरेंस डिफरेंशिएट किया है. तो सॉलिड्स में पहले मैंने क्या लिखा? हैव अ डिफिनिट शेप. सॉलिड का अपना एक डिफिनिट शेप होता है, एक निश्चित आकार होता है. जैसे कि बुक आप देखते हो तो बुक एक निश्चित आकार लेकर आकार लेता है, वजन भी होता है उसमें साथ साथ. वो तो लिक्विड्स में भी होता है और गैसेस में भी होता है. लेकिन लिक्विड्स हैव नो डिफिनेट शेप, कोई डिफिनेट शेप्स नहीं होता है. वो पानी, अगर आप पानी को लेंगे तो आप किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो उस शेप का हो जाएगा, ठीक है. वो ऐसा तो नहीं रह पाता है. तो इसीलिए क्या लिखा है कि इसमें डेफिनेट शेप नहीं होता है. गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप. सेम केस गैसेस में है, गैसेस का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. गैसेस कहीं से कहीं तक जा सकता है, कोई आकार नहीं होता है. दूसरा मैंने क्या लिखा है सॉलिड्स में? टेक अप अ डेफिनेट स्पेस. सॉलिड्स क्या करता है कि एक निश्चित जगह लेता है. आप बुक को अगर रख रहे हो, आप आइस को रख रहे हो, तो एक निश्चित जगह लेके वो स्थापित रहता है. लेकिन लिक्विड्स का है, टेक अप अ डेफिनेट स्पेस व्हाइल प्लेस्ड इन अ कंटेनर. जितना आप कंटेनर में रखोगे उतना स्पेस वो लेगा. और गैसेस में टेक अप ऑल द स्पेस अवेलेबल. जितने दूर आप उसको रखोगे वो उतनी जगह का पूरा स्पेस ले लेगा. तो तीनों में एक ये डिफरेंस हो गया. फिर नेक्स्ट क्या है आपका? सॉलिड्स डू नॉट फ्लो. सॉलिड बहता नहीं है. क्या आपने कभी देखा है बिस्किट सामान में, बिस्किट ही गिर गया आपको तो क्या वो बह जाता है? नो. लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड बह जाता है. एक अगर आप थोड़ा सा पानी गिरा देते हो एक बूंद, तो थोड़े 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 पे वो बहने लगता है. और गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो. गैसेस तो बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत दूर तक फैल जाता है. अगर आपके घर राजमे की सब्जी बन रही है तो उसका फ्रेगनेंस जो है, उसका भाप कितनी दूर तक फैल जाता है. गैसेस कैन फ्लो. उसके बाद हमने क्या पॉइंट लिखा? पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली. ये हमने सॉलिड में लिखा है कि सॉलिड्स का पार्टिकल्स जो होता है, वो मॉलिक्यूल्स जो होता है, वो बहुत जुड़ा जुड़ा हुआ रहता है. वहीं लिक्विड्स की बात करें तो पार्टिकल्स आर पैक्ड लूजली, ढीला रहता है, तभी तो वो फ्लो कर जाता है, बह जाता है, पूरी दूर में फैल जाता है. और गैसेस की बात करें तो पार्टिकल्स आर पैक वेरी लूजली. उसका पार्टिकल्स, उसका मॉलिक्यूल बहुत दूर तक फैलता है क्योंकि उसका पार्टिकल्स बहुत ढीला होता है, ठीक है. मैं बुक में डायग्राम के थ्रू आपको दिखाऊंगी.
तो सॉलिड्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? वुड हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, ये सारे एग्जाम्पल सॉलिड्स के हैं। यूटेंसिल्स कोई भी आपके घर में हो सारे क्या है? सॉलिड्स है। बुक हो गया, डस्टर हो गया, जो भी स्कूल की बात करें, हम स्कूल के आर्टिकल्स की बात करें, थिंग्स की बात करें। तो लिक्विड्स में क्या क्या एग्जाम्पल हो गया? ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिल्क हो गया, वाटर, ये सारे लिक्विड्स है, जूस एक्सेट्रा। और गैसेस की बात करें तो वाटर वेपर, उसके साथ एयर, और एयर में जो गैसेस मिले होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारे गैसेस के एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए, मैं आपको बुक शो कर रही हूँ। ये आपका बुक का पेज नंबर 30 है, जिसमें आप देखिए सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस के कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कितने सारे पिक्चर्स बने हुए हैं। और यहाँ पे ये नोट जो मैंने आपको लिखवाया है, मैटर का डिफिनेशन है, मैटर का शेप साइज अलग अलग होता है, इसके बारे में कहा गया है। कुछ सॉफ्ट होते हैं कुछ मैटर, कुछ बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। एयर भी एक मैटर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैटर जो बनता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, ठीक है। ये बताया गया है अलग अलग साइजेस होते हैं सभी मैटर के। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको सॉलिड लिक्विड को बताया गया है कि सॉलिड्स का पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली जुड़ा होता है, ये जो मैंने अभी आपको नोट डाउन करवाया था नोट्स में। अब पिक्चर के थ्रू देखिए आप कि सॉलिड्स में कितने कम स्पेसेस अब जुड़े हुए हैं, वो पिक्चर के थ्रू शो हो रहा है। लिक्विड में हल्के हल्के स्पेस है। और गैस की जहां तक बात करें तो गैस क्या करता है, बहुत दूर में फैल जाता है वो, उसका मॉलिक्यूल्स ज़्यादा ब्रॉड होता है। गैस पार्टिकल्स ऑफ गैस है वेरी लूजली, बहुत ढीला होता है, उसके स्पेस बहुत कम होते हैं मॉलिक्यूल्स में, साइज बहुत एक्सपेंस करता है, और इसका पार्टिकल्स बहुत ही फ्रीली घूमता है, इसका कोई फिक्स शेप है और वॉल्यूम नहीं होता है। इसको भी जिस कंटेनर में डालेंगे वैसा ही शेप ले लेगा। और उसके साथ लिक्विड और गैसेस जो एक साथ मिलते हैं उसको बोलते हैं फ्लूइड्स। ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। डिफरेंट शेप मैंने आपको ज्यादा लिखवा है, बुक में आपकी कम है। तो इस तरीके से अब मैं पार्ट वन में कुछ टॉपिक तो क्लियर की हूँ, और पार्ट टू में कुछ टॉपिक तो क्लियर करूंगी। तो आप क्विक क्विज बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्विक क्विज में आपका ट्रू फॉल्स है जो कि बहुत ईजी है, और होप कि आप सब बहुत अच्छे से बनाएंगे, ट्राई करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।